20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट चाहे कैंसर, थायराइड, बेल अर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। आज हम मंडी डबवाली में एक ऐसे मुद्दे को छूने का प्रयास करेंगे, एक रिक्शे वाले के दर्द को समझने की हम कोशिश करेंगे। डबवाली में यही रिक्शे वाला जो आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाने में आपकी मदद करता है। आप किसी रेलवे स्टेशन से, किसी बस स्टैंड से या फिर किसी भी नुक्कड़ पर खड़े होकर बिना किसी चिंता के किसी भी रिक्शे वाले को हाथ अगर खड़ा करते हैं तो वो आपको सलाम ठोक कर आपके घर तक छोड़ कर आएगा। मगर आप कल्पना कीजिए कि उसको छत्र छाया देने के लिए सरकारें और प्रशासन अगर कुछ नहीं कर पाती तो उसके लिए कितनी बड़ी मुश्किलें हैं वो उसे झेलनी पड़ती होगी। डबवाली में मसलन करीब 225 के आसपास ई रिक्शा है और 250 के करीब साइकिल से चलित वाले रिक्शा हैं, तो कुल मिलाकर 500 परिवारों का जो रोजी रोटी का सिस्टम है वो इसी रिक्शा को चलाकर यानी कि रोजाना सवारियों को ढोकर ही चलता है। लेकिन पिछले लगभग 30 सालों से 3 दशक का वक्त बीतने के बावजूद भी रिक्शा यूनियन को अपना कोई भी प्रॉपर स्टैंड और पार्किंग नहीं मिल पाई है। मेरे साथ तमाम यूनियन के लोग हैं और शहीद भगत सिंह रिक्शा यूनियन की तरफ से प्रेजिडेंट सुखविंदर सिंह जी और तमाम रिक्शा चालक मेरे साथ हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सुखविंदर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। सर, क्या कितनी अब फिलहाल वर्तमान में आपकी रिक्शा की संख्या है, अगर हम जानना चाहें ई रिक्शा की बात करें या फिर साइकिल चलत की बात करें? पुन्नू जी, यहाँ पहुँचने पर सबसे तो पहले हम आपका यहाँ हमारी प्रयास होने पर आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हमारे शहर में सर 250 के करीब साइकिल रिक्शा है, 250 के करीब साइकिल रिक्शा है, 225 के करीब ई रिक्शा है। और हमारे को सबसे बड़ी समस्या है रिक्शा खड़ी करने की। रिक्शा जहां हमारे स्टैंड इतना का है कि 5-7 साइकिल रिक्शा और 15 ई रिक्शा खड़े हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमें रोडों पे खड़ा होना पड़ता है। अच्छा, रोडों पे हम प्रशासन के आगे वादा नहीं बनना चाहते और हम तो यही मांग करते हैं कि हमारे को कोई अच्छी जगह बस स्टैंड के अंदर दी जाए, जो पार्क वाली जगह है उस जगह की मांग कर रहे हैं। ठीक है सर, आपने खुद बताया कि 500 परिवारों का पालन पोषण इसी रिक्शा से होता है। जी सर। सर, फिलहाल सबसे बड़ी दिक्कत आपकी पार्किंग को लेकर, स्टैंड को लेकर है। क्या आपने कभी प्रशासन से बातचीत की हो, किसी नेता के पास गए हो? वहाँ बहुत बार लिखित रूप में SDM साहब को भी दिया जी, DC साहब को भी। पहले सन 1990 से मैं लिख कर दे रहा हूँ, जो भी सरकार आई उसी के नुमाइंदों को भी हमने लिख कर दिया है कि हमारे को जगह की समस्या है, पर हमारी आज तक कहीं कोई सुनवाई नहीं। सुना है हमने कि ताऊ देवीलाल ने भी कभी आपके हित के लिए आपको रिक्शा स्टैंड देने का वायदा किया था, इसी बस स्टैंड के परिसर में एक उन्होंने बड़ लगाया था, वो पूरा क्या उस वक्त का घटनाक्रम था, क्या आपके साथ आज नाइंसाफी हुई है? घटनाक्रम सर ये था कि 1983 से पहले जो रिक्शा स्टैंड अंदर था, जो पार्क वाली जगह है, बंसीलाल जी की सरकार थी, उस समय के अधिकारियों ने यह कह करके बस स्टैंड बन रहा है इसलिए आप बाहर जाओ, बसें बाहर चली गई। हम बाहर आ गए, जब बस स्टैंड बनकर तैयार हुआ, वो जो हमारा अंदर स्टैंड था वो हमारा एक सैनिक के शहीद के नाम से लेंस क्लब ने बना कर दिया था, जिसका नाम था अमर रिक्शा स्टैंड। वो समय की सरकार ने उसको गिरा दिया, फिर हमने एजिटेशन लड़ा, भूख हड़तालें, अमरांशन वगैरह किए, फिर मौके पर जो DC महोदय थे और जहाँ के DSP थे करतार सिंह जी दहिया, सन 1983 के अंदर उन्होंने हमारे को बाहर जे जब ट्रैफिक बहुत कम था जगह दे दी, हम इस पर संतुष्टि करके भी चलो हमारे को जगह तो मिली है कुछ। उसके बाद जब इसका उद्घाटन हुआ, ताऊ देवीलाल जी आए, हम उनके आगे जब प्रयाद की तो उन्होंने फौरन एक कर्मचारी को भेजा, मेरे को इतना याद है कि ये बड़ की कीमत 80 रुपये से नर्सरी से मंगवाया गया, बड़ मंगवा कर इसको लगा दिया, बोला जे बड़ मैंने लगा दिया, जे मजदूर और मेरे वर्ग के लिए लगाया है, आपको यही जगह दे दी जाएगी और आप यहीं पे विश्राम करना, यहीं पे खाना खाना। उसके बाद उनकी सरकार बदल गई, फिर वही के दाल के तीन पात वही रहेगी। हम हर बार देखते हैं सर कि जब आपकी भी यूनियन बनती है तो तमाम नेता आपके बीच में आते हैं, आपका समर्थन करते हैं,
सिर्फ वोट बैंक कमाने के लिए, लेकिन आपको लगता है किसी ने आपके दर्द को छूने का प्रयास किया आज तक? मैं तो कहता हूँ जी किसी ने ही भी हमारा दर्द सुनने की प्रयास कोशिश नहीं की। जब पीछे से हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सीएम थे, डॉक्टर के वी सिंह जी ओएसडी थे, हम उनको मिले जी, हमारा स्टैंड बिल्कुल गिर गया था। उन्होंने नगर पालिका से ये स्टैंड द्वारा बनवा दिया और हमारा कुछ दर्द उन्होंने सुना कि जो 40 परिवारों को ई रिक्शा BRGPF स्कीम से दे दी। उसके बाद उन्होंने भी कहा था कि अगर हम हैं या MLA या सरकार आएगी मैं आपको स्टैंड की जगह दूंगा। हम अपने विधायक जी से भी दो बार मिल चुके हैं, वो कहते हैं चलो जी अब कोरोना चल रहा है आगे हम देखेंगे, पर अभी तक हमारी कोई सुनवाई। सर इसके अलावा क्या दिक्कतें आती हैं, क्योंकि आप तो सारा दिन हाईवे के किनारे रहते हैं, नेशनल हाईवे सबसे व्यस्त रहता है, कितने लोगों की आपको नाराजगी झेलनी पड़ती है? क्योंकि आपको तो हम आम आदमी भी कहता होगा कि आप रिक्शा साइड में कर लीजिए, पुलिस भी आपको परेशान करती होगी सर। जी सर, जैसे हम तो गरीब रिक्शा चालक हैं, जैसे कोई गाड़ी वाला आया हमें पता है हम तो अपने स्टैंड के अंदर खड़े हैं, कार वाला कहता है जैसे जे रिक्शा बाहर खड़ी है इसका नंबर है, वो कहता है तू साइड में कर ले मैं यहाँ गाड़ी खड़ी करके जाऊँगा। हमारा हम रिक्वेस्ट भी करते हैं, कई बार तो हमारा झगड़ा होते होते बच गया जी। और जब कोई VIP ड्यूटी होती है उस समय तो हमें इतना मजबूर होना पड़ता है कि हमें शहर स्टैंड छोड़कर ही शहर के अंदर रहना पड़ जाए, रहना पड़ा है कई बार। जैसे पीछे CM कैप्टन जी आए थे उस समय हमारे को यहाँ से लेके एक रिक्शा नहीं खड़ी होने थी, पर उस समय हमने ये सोचा चलो यार एक दिन झाड़ी मर गई कोई बात नहीं। पर दिक्कत हमारे को व्हीकल वालों से भी है और प्रशासन है, प्रशासन जब VIP ड्यूटी होती है वो हमारे को तंग करते हैं। मतलब सर जिस दिन भी इस शहर में कोई बड़ा नेता CM या बड़ा ऑफिसर आता है तो आपकी छुट्टी आपकी उस दिन की रोजी रोटी कमाने के लाले पड़ते हैं? नहीं होती है, बिल्कुल ही नहीं होती। और दूसरी बात सर, एक मांग हमारी हो रहा है, जैसे कि लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के कुछ दिनों बाद ही 22 को लगा, अगली 22 आते आते CM का एक बयान आ गया कि जो ई रिक्शा चालक है हम उनके खातों में 4500 रुपया डालेंगे। आज तक सर ना तो वो आया, फिर एक मेरी तो ये मांग है कि जो 5-6 महीने हमारी रिक्शा नहीं चले, हमारे किसी रिक्शा वाले का 30,000 बिल आ गया, किसी का 20,000 आ गया, किसी का 15,000 आ गया, खड़ी खड़ी गाड़ियों के हमारी ई रिक्शा की बैटरियाँ, जो रिक्शा चली ही नहीं तो बैटरियाँ डेड हो गई, बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे ई रिक्शा चालकों को हुआ है जी। जो बेचारे रिक्शा चालक हैं उनका तो बिल्कुल धंधा जोपट हो गया था। सर आपके लिए एक चार्जिंग पॉइंट भी बनाया गया था, करीब 15 लाख रुपए उसके ऊपर सरकार ने खर्च किए जी सर, क्या कभी आपको वहाँ पे चार्ज करने की सुविधा मिल पाई सर? हाँ मिली थी सर 6 महीने। हाँ। 6 महीने के बाद क्या हुआ, उस समय के जो ME थे जयवीर डूडी जी, उनकी देख रेख में तो बहुत अच्छा चला। उसके बाद जब उनका तबादला हो गया उसको किसी ने संभाला नहीं, उसका बिल बढ़ता लाखों रुपये हो गया, बिजली बोर्ड ने कनेक्शन काट दिया, फिर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था सर, हम अपने घर चले गए। और आज भी कई रिक्शा जो किराएदार हैं वो किसी के घर पे लगाते हैं तो उनसे 50-50 रुपये चार्जिंग ली जाती है, जिनके मीटर नहीं है वो किसी के फैक्ट्री में या कहीं लगाते हैं उनसे 50 रुपये चार्जिंग ली जाती है। सर आप मसलन रोज़ाना कितने लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का काम करते हैं? आपने बताया कि करीब 500 ऐसा रिक्शा है, कितना रोजी रोटी एक रिक्शे वाला रोज़ाना के पैसे कमा लेता है या बहुत मुश्किल से गुजारा होता है? सर ऐसा है, जो बेचारा साइकिल रिक्शा वाला है वो तो 200-250 में रह जाता है, जो हमारा ये है ये कोई 400, कोई 450, कोई 500 रुपये में, तकरीबन हम 5,000 पैसेंजर को जैसे पंजाब बस स्टैंड से इधर से उधर ले जाते हैं और उनके ठिकानों तक पहुँचाते हैं। तो आप सीधे तौर पर हमारे विधायक से, तमाम प्रशासनिक SDM साहब से ये मांग करते हैं कि आपको एक स्थाई बैठने का एक अड्डा मिलना चाहिए, आप बस स्टैंड के अंदर हो चाहे सरकार कहीं भी दे आपको। जी सर हमारी तो यही मांग है कि देखो ऐसा है, वो कहते हैं ना, मैं तो छोटी सी बात कहता हूँ, कहते हैं शहरों में या गांवों में हड्डा रोड़ी होती है, हमारी तो वो कुत्तों वाली ज़िंदगी हुई खड़ी है, जैसे कि हड्डा रोड़ी में कुत्ता जाता है, अगर बस स्टैंड पे हमें जगह नहीं मिलती तो हमारे पास पैसेंजर कहाँ से आएगा सर? आपका तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यही है, प्लेटफॉर्म यही है और बस स्टैंड है जी, बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन, और कोई साधन नहीं है हमारे पास। आप भी कुछ मांग करते हैं? मांगे जी हमारे स्टैंड बनना चाहिए, हाँ जी हमें जगह मिलने चाहिए, रुको अब कोई भी आता आके धक्का मार के आगे कर देता है, इसलिए हम हमें दिक्कत ये है जी बस स्टैंड के अंदर, हमें जगह दवा दो, बाकी गाड़ी अंदर खड़ी हो जाएगी, बाकी नंबर वाली गाड़ी बाहर खड़ी हो जाएगी।
तो 5 लाख गाड़ियां बाहर खड़ी हो जाएंगी, बाकी अंदर खड़ी हो जाएगी। नंबर वाइज चलते हैं, नंबर वाइज चलेंगे, अंदर से टर्न वाइज लगाते हैं, टर्न वाइज चलेंगे और चलते हैं। तो यही सर आप मांग करते हैं कि बस स्टैंड का रास्ता भी पक्का हो जाए तो अच्छी बात है। सर हम ये कहते हैं कि अगर बस स्टैंड के अंदर हमारे को 20-30 रिक्शा खड़ी होने की जगह दी जाए तो जो रोड है अंदर रिक्शा नहीं जा सकती। आप भी रिक्शा में बैठो, आपको पता चल जाएगा कि रिक्शा निकलती है कि नहीं। अगर कोई बुजुर्ग, कोई विकलांग, किसी लेडीज के पास सामान है, अगर हम उधर से जाते हैं तो उधर वो पर्ची वाले हमें अंदर नहीं जाने देते, इधर से अगर हम जाते हैं तो रिक्शा का नुकसान होता है। सर मेरी तो मांग सर यही है कि अगर हमें अंदर जगह देती है, जो रास्ते का खर्चा हम चाहे 20-30 रुपये करके हम ये रास्ता सीधा ठीक कर लेंगे। बातचीत के लिए शुक्रिया, धन्यवाद पुनू जी आपका, गरीबों की फरियाद सुनने पर धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ पूरी डवाली की रिक्शा यूनियन, जिन्होंने अपनी बातचीत को रखा है। निश्चित तौर पर यह वाकई ही एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कही जाएगी, क्योंकि जो एक गरीब जो सारा दिन रिक्शे को खींचता है, चाहे वो ई रिक्शा हो या फिर पैदल के माध्यम से जो साइकिल रिक्शा बोला, जिसको साइकिल रिक्शा बोला जाता है, निश्चित तौर पर उनके लिए खड़े होने के लिए एक स्थायी हल यानी कि सरकार को स्टैंड देना चाहिए, ताकि वहाँ पर उनके लिए पानी की सुविधा हो, शौचालय की सुविधा हो और बिजली की सुविधा हो, और वहाँ पर आने जाने वाले तमाम लोगों को अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए भी दो चार ना होना पड़े। लेकिन 3 दशक बीतने के बावजूद भी रिक्शा यूनियन की पुकार ना ही तो किसी राजनेता ने सुनी, ना ही यहाँ की सरकारों और प्रशासन ने सुनी। निश्चित तौर पर ये काफ़ी गंभीर एक सवाल है जो सरकार और प्रशासन और राजनेताओं पर खड़े होते हैं कि उन्हें वोट बैंक के नाम पर कभी भी अगर मौका मिलता है तो वो यूनियन के बीच में आते हैं, मगर जब वक्त होता है उनकी सुनवाई का तो यही नेता उनसे दूरी बना लेते हैं। नवाली से कैमरा पर्सन हेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा।